अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यमी बाइट्स। आज बारिश के हिसाब से हम कुछ चटपटा बनाएंगे। बाहर तो हम वेज मंचूरियन खाते रहते हैं, लेकिन आज हम घर में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही यम्मी सा लजीज वेज मंचूरियन बनाएंगे। बनाना शुरू करते हैं वेज मंचूरियन मेरे स्टाइल में। इसके लिए मैंने लिया है आधा बंद गोभी, जिसे मैंने बारीक जो है चॉपर से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो उसे कद्दूकश भी कर सकते हैं। और मैंने लिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे मैंने दरदरा पीस लिया। हमको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, आप अगर चाहें तो उसे चॉप कर सकते हैं। 1.5 चम्मच मैंने कश्मीरी मेथी ली है, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 2 से 3 पिंच मैंने रेड फूड कलर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें वरना नहीं ऐड करें। ये 4 चम्मच मैंने टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 4 चम्मच जो है मैंने मैदा लिया है, लेकिन हम उसको एक साथ पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि पत्ता गोभी कभी थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करती है और ज़्यादा, तो हम उसमें ऐड करते जाएंगे और देखेंगे हमको जितना लगेगा बैटर बनाने के लिए उतना ही हम ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में हम अपनी पत्ता गोभी ले लेंगे। अगर मैं कप से बताऊं तो ये तकरीबन 3 कप तक है और कटोरी से 2.5 कटोरी है। इसके बाद हम इसमें अपना ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमारा कश्मीरी मिर्च पाउडर, गरम मसाला और रेड फूड कलर, और मैं अभी इसमें आधा ही कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ और आधा मैदा ऐड करके हम इसका बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। पहले हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर हमें लगा तो फिर हम उसके बाद और अपना मैदा और कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी पूरी तरह से बैटर जो है वो उसमें बाइंडिंग नहीं आई है, इसके लिए मैंने अपना पूरा कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड कर दिया है। सारा मैदा और कॉर्नफ्लावर मिलाने के बाद हम उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो रही है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हमको जो साइज़ के अपने मंचूरियन बनाने हैं, ये देखिए मैंने मीडियम साइज़ के लिए बना लिए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। ऐसे ही हम अपने सारे बॉल्स को तैयार कर लेंगे। हमने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए और ऑयल गरम होने के बाद हम उसमें मंचूरियन डालते जाएंगे एक एक करके, और एक ही जगह नहीं डालें, उसे थोड़ा थोड़ा दूर पर डालें वरना वो चिपक जाएंगे सब एक दूसरे से। और जब हम अपने मंचूरियन उसमें डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं, तो हमें उसको फ़ौरन नहीं चलाना है, हम उसे थोड़ी देर बाद चलाएँगे ताकि वो जब हल्के होकर ऊपर आ जाते हैं उसके बाद हम उसको चलाएँगे। ये देखिए, ये जो है मंचूरियन हमारे अच्छी तरह से पक रहे हैं और अभी पक के ऊपर आ गए हैं। फ्रेंड्स, अब ग्रेवी बनाने के लिए हमने कढ़ाई जो है वो रख दी है गैस पर और हमारी कढ़ाई बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, तो मैं 3 चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ, तो इसे हम किनारे से ऐसे डालते जाएंगे। इससे जो है हमारी कढ़ाई में बहुत ही अच्छा धुआं स्मोक आ जाएगा और हमारी मंचूरियन में बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आएगा। फिर ये देखिए, मैंने 10 से 12 लहसुन ले लिया था, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें डाल दूंगी और इसे हम 30 सेकंड तक अच्छी तरह से चला लेंगे। लहसुन हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि उसका जो फ्लेवर होता है मंचूरियन में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये मैंने एक प्याज लिया, जिसे बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ मैंने 3 हरी मिर्ची ली है, जिसे बीच में से मैंने कट कर लिया है, वो ऐड कर दूंगी और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये सारा प्रोसेस हम हाई फ्लेम पे ही करेंगे
ये देखिए फ्रेंड, हमारी प्याज भी थोड़ी नरम हो गई है। मैंने एक शिमला मिर्च ली है जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है, वो डाल दूंगी मैं। अब हम इसमें अपने सॉसेज ऐड करेंगे। मैं 2 चम्मच इसमें टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। अब हम इसमें 1 चम्मच डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। और 2 चम्मच मैं रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। ये सारे सॉसेस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करते हुए हमें गैस का फ्लेम हाई ही रखना है, हम गैस का फ्लेम कम नहीं करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। सारे सॉसेस मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से पक जाएं। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा थिक टेक्सचर देने के लिए मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है और उसमें मैं 3 चम्मच तक तकरीबन पानी मिला लूँगी। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेकिन मैं ये पूरा एक साथ नहीं डालूँगी, हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। हमको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसे आने पर हम उसको रोक देंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से थिक हो गया है। मैं इसे हाई फ्लेम पे ही 1 मिनट तक अच्छी तरह से पका लूँगी। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच नमक। ये देखिए फ्रेंड, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वेज मंचूरियन जो है तैयार हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट कर। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।